हेलो क्लास टेंथ। तो चलिए आज अपने आगे के क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आपको आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 दिखा रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि अब जिंक का लेप नहीं लगाया जाता है लेकिन किसका लगाया जाता है? टिन का। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, दूसरा है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, नंबर तीसरा है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, और चौथा है टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, क्योंकि अगर हम जिंक की लेप चढ़ाएंगे तो जिंक की क्रियाशीलता ज़्यादा है। तो जो खाद्य पदार्थों में जो पदार्थ होते हैं, चाहे वो अम्ल हो या कुछ भी हो, वो इस जिंक धातु से क्रिया कर लेंगे, जिससे भोजन की गंध और उसका स्वाद परिवर्तित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, देखिए। पहला है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। आपके पास एक हथौड़ा है, एक बैटरी है, एक बल्ब है, एक तार है और एक स्विच दिया है। पहला क्या पूछा है, इनका उपयोग कर धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच विभेद कैसे कर सकते हैं? पहला है, इनका उपयोग कर धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? तो क्योंकि आपको हथौड़ा दिया गया है, तो हथौड़े से पीट कर सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, हम हथौड़े से पीट कर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है। अगर हम धातु को हथौड़े से पीटें तो एक हमको चादर मिलेगी, जबकि अधातु भंगुर होती है, वो टूट जाएगी, ये तो हमको पता है। दूसरा विभेद हम कैसे कर सकते हैं, विद्युत परिपथ द्वारा। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, बल्ब, बैटरी, तार तथा स्विच का उपयोग कर हम एक सर्किट बनाएंगे। इसके बाद बारी बारी से धातु और अधातुओं के दिए गए नमूनों को विद्युत परिपथ में क्लिप लगाकर स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि जब धातु का प्रयोग करते हैं तो बल्ब जलने लगेगा, जबकि अधातुओं के साथ बल्ब नहीं जलेगा। इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, आप कोशिश करना, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, धातुओं और अधातुओं में विभेद के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए, ठीक है ना। तो परीक्षण एक का जो सेकंड प्रयोग है वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि पहला उपयोग आपका ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट एक अधातु है परंतु विद्युत का कुचालक है, सुचालक है, ये गलत लिखा है थोड़ा सा। तो परीक्षण ए का दूसरा पार्ट अधिक उपयुक्त है, क्योंकि ग्रेफाइट एक धातु है परंतु विद्युत की सुचालक है, इसलिए इसके साथ बल्ब भी जलने लगेगा। सॉरी, जो सेकंड वाला पार्ट है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने धातु और अधातु में विभेद करना है। तो यदि हम विद्युत परिपथ बनाकर धातु और अधातु में विभेद करें और हम एक लोहे का प्रयोग करें और ग्रेफाइट का प्रयोग करें, तो बल्ब दोनों स्थितियों में जलने लगेगा, क्योंकि ग्रेफाइट जबकि एक अधातु है लेकिन ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। एक डायग्राम बनाकर इसको आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। यह आपको पूरा चित्र बताया हुआ है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। चैप्टर में इनकी रिएक्शन लिखाई गई है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, दो ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो उभयधर्मी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर पाएंगी। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं, और जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे हैं, तो आप कोई भी दो धातुएं ले लो, जैसे क्वेश्चन में आपको लिखा है आंसर में मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, तो ये अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, जबकि कॉपर तथा सिल्वर जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से नीचे हैं, वो विस्थापित नहीं कर पाएंगी, ठीक। किसी धातु M के विद्युत अपघटनी शोधन में आप एनोड और कैथोड एवं विद्युत अपघटी किसे बनाएंगे, ये परसों आपको बताया हुआ है। एनोड किसका बनता है? अशुद्ध धातु का। याद रखना कि अशुद्ध धातु जो होगी वो एनोड के रूप में होगी, शुद्ध धातु जो होगी वो कैथोड के रूप में होगी, और उसी धातु का जो लवण विलयन होगा वो विद्युत अपघटी के रूप में होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक प्रखनली को उल्टा करके, अब इसके लिए चित्र देखना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन होगा, ठीक। इसको बाद में बताऊंगा, जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो लास्ट में इन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पूरा क्वेश्चन है,
लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके बताइए। तो आपको बता रखा है, आप पेंट लगाकर कर सकते हैं, ग्रीस लगाकर बचा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा यसद लेपन आपको बताया था। यसद लेपन में हम क्या करते हैं कि जो लोहे की वस्तु है उस पर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो जिंक पहले संक्षारित होता है क्योंकि उसकी सक्रियता ज़्यादा है। ऑक्सीजन के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसी ऑक्साइड बनाते हैं। तो अधातुएं जो हैं ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ती हैं तो वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ये आपको पीछे बताया हुआ है चैप्टर में कि जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है, जब कोई धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनता है और वो क्षारीय होते हैं। जब कोई अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो अधातु ऑक्साइड बनते हैं जो अम्लीय होते हैं, ठीक। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक। अब आपको कारण बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए, प्लैटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। देखिए इसका आंसर क्या है, प्लैटिनम सोना एवं चांदी जो चमकदार धातु हैं, पहला तो कारण यह है कि ये चमकदार हैं, दूसरा यह है कि ये संक्षारित नहीं होती हैं, खराब नहीं होती हैं कभी भी, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। परसों ही बताया है कि जो सोडियम पोटेशियम लिथियम जो हैं बहुत ही सक्रिय धातुएं हैं, जब ये वायुमंडल में खुली छोड़ी जाती हैं तो ये आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इनको तेल के अंदर रखा जाता है। एल्यूमिनियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। अब देखो, एल्यूमिनियम एक सक्रिय धातु है और इसका हम प्रयोग कुकर या अन्य जो कढ़ाई है खाना बनाने के बर्तनों में करते हैं। अब होगा क्या, होना क्या चाहिए कि जो भोजन है, भोजन में जो पदार्थ हैं वो एल्यूमिनियम से क्रिया करना चाहिए, लेकिन होता क्या है, एल्यूमिनियम जो धातु है उस एल्यूमिनियम की धातु के बाहर से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। जब एल्यूमिनियम को हम रखते हैं बर्तनों को तो उसके बाहर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो एल्यूमिनियम की सक्रियता को कम कर देती है, यानी जो भोजन है वो सीधे सीधे एल्यूमिनियम धातु के संपर्क में नहीं आ पाता, क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तनों में एल्यूमिनियम के ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। हालांकि इसमें कोई आंसर लिखा है कि एल्यूमिनियम के बर्तन आसानी से संक्षारित नहीं होते हैं, अतः यह ऊष्मा के सुचालक है। यह आंसर इसका नहीं है, पता नहीं क्यों लिखा है। तो एल्यूमिनियम, क्वेश्चन यह है कि एल्यूमिनियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। तो आप सीधे सीधे लिखना कि एल्यूमिनियम एक अभिक्रियाशील धातु है, जब इसे वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है जो एल्यूमिनियम की क्रियाशीलता को कम कर देती है, जिससे भोजन एल्यूमिनियम धातु से क्रिया नहीं कर पाता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदला जाता है, क्यों। हमने भर्जन पढ़ा, हमने निस्तापन पढ़ा, तो भर्जन में क्या होता है, जो सल्फाइड अयस्क है उसको ऑक्साइड में बदलते हैं, निस्तापन में क्या होता है, जो कार्बोनेट अयस्क है उसको ऑक्साइड में बदलते हैं। क्वेश्चन यह है कि ऑक्साइड में क्यों बदलते हैं, चाहे कार्बोनेट हो चाहे सल्फाइड हो, उसको हम ऑक्साइड में क्यों बदलते हैं। तो इसको सीधा सीधा इसका आंसर है कि जो ऑक्साइड होते हैं धातु ऑक्साइड, वो आसानी से अपचयित हो जाते हैं, जबकि धातु कार्बोनेट और धातु सल्फाइड आसानी से अपचयित नहीं होते हैं। अब आंसर लिखा क्या है पढ़ते हैं, धातुओं को उनके ऑक्साइड से पृथक करना ज़्यादा आसान होता है, वही लिखा है। अतः निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रंग से रस से साफ करते समय अवश्य देखा होगा, यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है, ठीक है ना। तो नींबू में क्या होता है, देखिए नींबू या इमली में क्या होता है, अम्ल होता है, और अम्ल तांबे के अशुद्ध पदार्थ को साफ करने में प्रभावी होता है। तो तांबे के बाहर से जो अशुद्धियाँ लगी रहती हैं, क्योंकि खट्टा पदार्थ अम्ल है, अम्ल उन अशुद्धियों को आसानी से साफ कर देता है, इसलिए हम नींबू या इमली के रस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए, यह आप कर सकते हैं, पीछे पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, लंबा क्वेश्चन है ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया, कोई संदेह किए बिना एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलियन में डाल देता है, कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं लेकिन उनका वजन कम हो जाता है, वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात
उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है एक जासूस की तरह, क्या आप उस विलियन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो ये अभी भी होता है कि ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे व्यक्ति जाते हैं जो कहते हैं कि हम आपके पुराने सोने के आभूषणों को साफ कर देंगे, नया बना देंगे। तो वो लोग एक विशेष प्रकार का विलियन का प्रयोग करते हैं जिसको एक्वा रेजिया कहा जाता है। लिखा हुआ है सामने एक्वा रेजिया, ठीक है ना, AQUA एक्वा REGIA, ये रेजिया। एक्वा रेजिया एक ऐसा विलियन होता है जिसमें दो अम्ल होते हैं, एक होता है HCl और एक होता है HNO3। तो जब HCl और HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो वो पदार्थ, वो विलियन एक्वारेजिया कहलाता है। और एक्वारेजिया में जब सोने को डाला जाता है तो सोना उसमें घुल जाता है, और सोना जब घुल जाएगा तो सोने का वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण? अब आपको पता है कि जो तांबा है या कॉपर है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ठीक है ना, और ये दूसरा ये है कि ये गर्म जल से क्रिया नहीं करता है, जबकि लोहे का अगर हम बना देंगे तो लोहा गर्म जल से क्रिया करता है, ठीक है ना। तो ये आपके NCERT के क्वेश्चन हैं, इनको आप अपने नोटबुक में करेंगे, जो क्वेश्चन छूट गया है उनको फिर आपको बताया जाएगा। थैंक यू।